गाइस, आई पूजा पवार। मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि रामलाल आनंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से संबद्ध कॉलेज है। वहाँ से नॉन टीचिंग पोजीशन पर वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फीस क्या है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रामलाल आनंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से संबद्ध कॉलेज है, उसकी वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, वैकेंसीज में आपको सीरियल नंबर 1 में एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस पर ये लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। पीडीएफ फाइल को मैंने डाउनलोड कर लिया है। 12 पेज की ये फाइल है। 23 दिसंबर 2021 को ये जारी की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर वैकेंसी संबंधित डिटेल्स दी गई हैं। मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रही हूँ, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है, जो कि एमआई में है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर डिग्री मांगा गया है कम से कम 55% मार्क्स के साथ में, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है। डिजायरेबल में कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन सुपरवाइजरी में या इसके इक्विवेलेंट किसी कैडर में। ग्रुप बी पोस्ट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में या एजुकेशनल में या रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या टीचिंग में या अदर रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ में, अलॉन्ग विद प्रोवेन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज भी मांगी गई है। अगर आप LLB हैं या MBA हैं या CA हैं या ICWA हैं या MCA हैं या PhD हैं या आप MPhil हैं, तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी या UGC नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी। ये एज में छूट प्रत्येक वैकेंसी पर लागू होगी। लेवल 10 की सैलरी यहाँ मिलने वाली है, 56,100 से लेकर 1,77,500 यहाँ पर सैलरी है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, कंप्यूटर में है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जो कि PWBD कैंडिडेट के लिए LB में है। LB मतलब लो विजन में है। एलिजिबिलिटी BE या BTEC इन कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है या इलेक्ट्रॉनिक्स में है या इलेक्ट्रिकल में है या इलेक्ट्रॉनिक्स में है या MSc कंप्यूटर साइंस में है या MCA है। साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट में या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन इनर रिसर्च में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या कॉमर्शियल या सर्विस इंडस्ट्री में, जो कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्यूट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर DU एंड UGC रूल्स के हिसाब से मिलेगी। लेवल 6 की सैलरी मिलने वाली है 35,400 से लेकर 1,12,400 है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी आप सिंपल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 5 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, NSC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है।
योग्यता मांगी गई है सिंपल ग्रेजुएट, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी में, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है 10+2 या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री, जबकि जो कि साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, या अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों पोस्ट की एज लिमिट सेम है, मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर DU या UGC रूल्स के हिसाब से मिलेगी। सीनियर असिस्टेंट की सैलरी लेवल 6 की रहने वाली है, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 है, जबकि असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट की सैलरी लेवल 4 है, यानी दोनों की सैलरी सेम है। लेवल 4 की सैलरी मिलने वाली है 25,500 से लेकर 81,100 है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है एंड PWBD HI में यहाँ पर 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, 10+2 पास मांगा गया है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है, साथ ही कैंडिडेट के पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए जो कि इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, या हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी गई है। मैक्सिमम 27 ईयर के कैंडिडेट यहां अप्लाई कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन एज पर DU रूल्स के हिसाब से मिलेगी। लेवल 2 की सैलरी मिलने वाली है 35,400 से लेकर 1,12,400 है। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 है, OBC के लिए 3 है, PWBD कैंडिडेट के लिए 1 है जो कि LD में है एंड EWS कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी। एलिजिबिलिटी 10th पास या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है, साथ ही कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मांगा गया है। डिजायरेबल में बेसिक कोर्स कंप्यूटर में मांगा गया है एंड मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस रिलैक्सेशन एज पर DU रूल्स के हिसाब से मिल सकती है। लेवल 1 की सैलरी मिलने वाली है जो कि 25,500 से लेकर 81,100 है। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है, OBC के लिए भी 2 है एंड EWS कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास मांगा गया है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगी गई है। अगर आप सिंपल 10th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर DU रूल्स के हिसाब से मिलने वाली है। लेबर 1 की सैलरी मिलेगी जो कि 25,500 से लेकर 81,100 है। अप्लाई मोड यहां पर ऑनलाइन है एंड लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 जनवरी 2022 है। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई फीस अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी के लिए 500 है, जबकि SC/ST के लिए 250 है एंड वुमेन PWD के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन ऑनलाइन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप सबमिट करना है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट लिया जाएगा, पोस्ट की रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिक नॉलेज को जज करने के लिए लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा इफ एप्लीकेबल, यानी कि एप्लीकेबल हुआ तो। साथ ही कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि अपने मेल आईडी को एंड कॉलेज की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।